हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। लाहौर में ट्रोलर के पीछे टकराई कार, 5 युवकों की मौत, परिजनों ने किया प्रदर्शन। कार में सवार 5 युवकों की मौके पर हुई मौत, सड़क पर उतरे लोग। जिले के लाहौर थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग 325 पर बीती देर रात को ट्रोलर कार से टकरा गई। इस हादसे में कार सवार 5 युवकों की मौत हो गई। सभी शव मोर्चरी में रखवाए गए हैं। मांग को लेकर परिजनों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। अधिकारी समझाइश करने के प्रयास में जुटे हुए हैं। लाहौर थाना अधिकारी निरंजन प्रताप सिंह के मुताबिक रात को नेशनल हाईवे 325 पर ट्रोलर व कार के बीच दुर्घटना होने की जानकारी मिली। मौके पर पहुंचकर देखा तो कार सवार 5 युवकों की मौत हो चुकी थी। ट्रोलर को जब्त कर लिया गया है, शव मोर्चरी में रखवाए गए हैं। जानकारी के मुताबिक कार में सवार चरली निवासी कमलेश प्रजापत, छगनलाल प्रजापत, रामलाल प्रजापत, दिनेश और मानाराम सरगरा की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ट्रोलर चल रहा था, इस दौरान ट्रोलर के चालक साइड के सबसे पीछे का टायर फट गया। इसे देखते हुए चालक ने ट्रोलर को एक किनारे रोकने का प्रयास किया। इसी दौरान पीछे आई कार ट्रोलर के पीछे टकरा गई। चालक को इसकी भनक लगते ही ट्रोलर को भगाया, लेकिन कार पीछे फंसने से कार में सवार सभी युवकों की मौत हो गई। परिजनों ने शुरू किया प्रदर्शन। देर रात की घटना की जानकारी मिलते ही अधिकारी मौके पर पहुंचे, शव मोर्चरी में रखवाए गए। सुबह चरली गांव में लोग एकत्रित हुए, विभिन्न मांगों को लेकर सड़क जाम करने का प्रयास किया। पुलिस ने समझाइश कर उन्हें मार्ग से हटाया। परिजनों से वार्तालाप का दौर चल रहा है। लाहौर विधायक छगन सिंह राजपुरोहित भी पुलिस के साथ समझाइश में जुटे हुए हैं। जालौर से तरुण गहलोत की रिपोर्ट।